तो जो बोलने वाले जो है उन्होंने सिर्फ मराठा समाज का इस्तेमाल किया है। अब जब दिया है तो बोलते टिकेगा नहीं। अरे क्यों टिकेगा नहीं, उसका तो रीजन बताओ। कि जब एक कार्यकर्ता के रूप में एक समाज के लिए जो लड़ता है न्याय दिलाने के लिए, तब तक हमने पूरा उनको सहयोग किया। क्या नहीं किया हम लोग ने, सब कुछ किया है। और अब जब उनकी बोली भाषा बदल गई है, जैसे डीसीएम साहब ने बोला कि जो शरद पवार उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं वो वही भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये साजिश है। अरे साजिश का पर्दाफाश तो होगा, इसमें कोई कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब तक हम समझते थे एक ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसके लिए सब कुछ किया। मुख्यमंत्री किधर जाता है, कितने आंदोलन हुए आज तक। इसलिए अपने अपने सीमा में बाहर एक ने रहना चाहिए। सरकार सबका है और सरकार सबके लिए कर रहा है। हमने जो शब्द दिया था वो पूरा किया है, किसी अन्य समाज को अन्याय नहीं करते हुए। ये तो मराठा समाज में खुशी की लहर है। अभी ये बार 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 ये मांग, एक होने के बाद बीसरा, ए होने के बाद बी, बी होने के बाद सी, सी होने के बाद डी, वो सब देने के बाद फिर तो राजनीति की भाषा बहुत चालू हो गई। ये ऐसे कौन से देवेंद्र जी ने, अगर मराठा समाज को नहीं देना होता तो उनके समय में मराठा आरक्षण कैसे मिलता। मराठा समाज को आरक्षण भी मिला, हाईकोर्ट में उसको वैलिड भी हुआ और सुप्रीम में जब गया तो मुख्यमंत्री कौन थे। 5000 लोगों को नौकरियां देने की बात थी तो यही एकनाथ शिंदे ने कहा था, जो भी होगा उसका जिम्मेदार हम है, हम फेस करेंगे। 5000 लोगों को नौकरी देने का हिम्मत हम लोग ने दिखाया है। तो जो बोलने वाले जो है उन्होंने सिर्फ मराठा समाज का इस्तेमाल किया है। अब जब दिया है तो बोलते टिकेगा नहीं। अरे क्यों टिकेगा नहीं, उसका तो रीजन बताओ। ये मराठा आरक्षण पूरा पूरा ऐसी तरह से दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन, जो त्रुटियां खामियां निकाली थी उसे पूरा किया है। 4 लाख लोगों को काम पे लगाया था इसमें। हर जिले में हर कलेक्टर ऑफिस में विशेष ऑफिस खोला था इसके लिए। और जो दिया है तो उसे पॉजिटिव बात करनी चाहिए। इसका मतलब राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ना, ये सामने चुनाव देखकर राजनीति की रोटियां सेकना, ये लोग बहुत भली भांति जानते हैं। बहुत समझदार महाराष्ट्र की जनता है। ये तुम्हारा उनको सही जगह दिखाएंगे। इसके पीछे जो भी साजिश है वो साजिश तो उसका पर्दाफाश तो होगा ही। लगातार जो भूमिका बदल रही है मनोज जारंगे पाटिल की, पिछले 3 महीने से आपसे लगातार मांग बढ़ते जा रही है। अब जब आरक्षण की मांग पूरी होती है उसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, इसको कैसे। ये देखो महाराष्ट्र की संस्कृति है, इतने निचले स्तर पर आरोप लगाना आंदोलनकारियों ने, ये शोभा नहीं देता। ये उनकी बोली नहीं है, ये और किसी की बोली है। और इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि उन्होंने इससे बलि पड़ना नहीं चाहिए, लोगों के बहकाव में नहीं आना चाहिए। जो लोग जो आज जिन्होंने इतने साल राजनीति की, जब उनके हाथ में था मराठा समाज को आरक्षण देना तब नहीं दिया, वंचित रखा सबको। और जब हमने देने की हिम्मत बताई तो उसके साथ में जैसे सहयोग करना चाहिए, न कि कानून व्यवस्था बिगाड़ के संभ्रम निर्माण करना चाहिए। कानून के सामने कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, मैंने बताया है आपको। मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री यांच्या विरुद्ध कोणी समाज माध्यमांवर आरोप केले तर आतापर्यंत अनेकदा गुन्हे दाखल झालेले आहेत। अरे मुख्यमंत्र्यांनी तर जेलमध्ये टाकले, आरोप केले तर राणेंना आणि त्या कंगना रणावतला आणि त्या कोणतो आपला राणा नवनीत राणा त्याला 40 दिवस जेलमध्ये टाकलं, देशद्रोहाचा खटला भरला। तेच मला विचारायचंय तर फडणवीस साहेबांवरती असे आरोप झाल्यानंतर आपण गुन्हा दाखल करणार आहात का। सगळं कायदेशीर, ज्या बाबी मगाशीच म्हटलं, कायद्यापेक्षा कुणी स्वतःला मोठं समजू नये। संयम ठेवलेला आहे सरकारने, संयमाचा अंत पाहू नका। दुसरा प्रश्न असा आहे की तुम्ही 2.5 वर्षाच्या काळात सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण टिकवलं नाही, महाविकास आघाडी सरकारने असं म्हणाला होता, त्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सामील होता आणि त्याच्यात अजितदादा पवार हे उपमुख्यमंत्री होते। हा मग काय झालं, त्याच्यामध्ये कुठं एक अजितदादा पवार काय उपसमितीचे अध्यक्ष होते का मुख्यमंत्री होते। अरे असं काय, तुम्ही बघा आरक्षण जे टिकलं हायकोर्टामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकलं नाही का, याचं कारण जे आहे हे तुम्हाला माहित आहे, सगळ्यांना माहित आहे। आणि त्या सगळ्या त्रुट्या ज्या आहेत
आणि जी निरीक्षण आहे ती आम्ही पूर्णपणे या मागासवर्ग आयोग आणि आपल्या सर्वे मध्ये त्याची नोंद घेतलेली आहे. माझा प्रश्न वेगळा आहे, त्या समितीमध्ये आपणही होता, त्या गव्हर्नमेंट मध्ये हा होतो ना, मी मुख्यमंत्री नव्हतो, मी त्या उपसमितीचा अध्यक्ष पण नव्हतो. अरे अडथळे सगळे दूर केले जा, आम्ही तुम्हाला मी सांगतो राज्य सरकार ते पूर्णपणे आरक्षण टिकवणार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन प्रमाणेच आम्ही आरक्षण दिलेलं आहे. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.